Welcome to MR Learning Circle. In today's lecture, we are going to learn about control of microorganisms. It is the second part in methods in microbiology. Now coming to today's lecture, today we will learn about mechanical and physical control methods. And in next part, we will learn about chemical and biological part methods. Okay, now why do we need the control of microorganism? हमें क्यों control करना होता है? सबसे पहले to destroy the pathogen. Pathogen means disease causing microorganism. उसको destroy करना और उसका transmission रोकने के लिए. दूसरा to reduce and eliminate microorganism responsible for contamination of food water. पहली चीज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोको, दैट इज टू डिस्ट्रॉय पैथोजन और उनका ट्रांसमिशन रोकना. दूसरा उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस करना या एलिमिनेट करना जो कंटेमिनेशन कॉज कर रहे हैं, किसमें? हमारे फूड, वाटर और दूसरे सब्सटेंस में. ठीक है, इसलिए हमें कंट्रोल करना जरूरी है. अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट. एंटी माइक्रोबियल एजेंट से क्या समझते हो? एंटी, ठीक है, माइक्रोबियल मींस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एजेंट तो जानते ही हो. अब इसमें क्या क्या हो जाएगा? कोई भी केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सके, कंट्रोल, उसको कहते हैं हम लोग एंटी माइक्रोबियल एजेंट. एंटी मींस दैट इज अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उसमें क्या क्या आ जाएगा? फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल. क्लियर? अब कुछ टर्मिनोलॉजी बिल्कुल सिंपल है, समझ लो. सबसे पहले समझो डिसइंफेक्शन क्या होता है. डिसइंफेक्शन में क्या होता है अभी पहले समझ लो, फिर पढ़ लेंगे. इसमें क्या होगा? रिडक्शन किसमें हो जाता है? टोटल माइक्रोबियल पॉपुलेशन में. ठीक है, जो भी आपका माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, मान लो 100 की है, उसको रिड्यूस करके हमने कर दिया 80 या 85 या समथिंग, 100 से कम. ठीक है, क्लियर? मतलब 80% गायब कर दिया, 80 नहीं किया, मतलब 80% चला गया. तो बची कितनी? 100 में से 20 बचे, तो 20 में क्या ही कोई कर लेगा, समझे? ये हो गया. और दूसरा क्या करता है? इट इज यूज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस. ठीक है, पहला डिसइंफेक्शन क्या करेगा? उसकी पॉपुलेशन कम कर देगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. दूसरा पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देगा. ठीक, ये करेगा आपका डिसइंफेक्शन में, ये होता है. क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. देखो लिखा क्या है, डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ वेजिटेटिव पैथोजेंस बट नॉट बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स. तो इसमें क्या होगा? वेजिटेटिव, वेजिटेटिव पैथोजन से क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, और बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स को हम ये नहीं खत्म करेगा. यूज्ड ओनली ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. ठीक, अब स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन में समझ लो, जितने भी लिविंग सेल्स होगा, चाहे वो स्पोर्स हैं या ए सेलुलर एंटिटीज है, उसको क्या करता है? या तो डिस्ट्रॉय कर देना या रिमूव कर देना. डिस्ट्रक्शन और रिमूवल किसका? लिविंग सेल्स का, स्पोर्स का भी और ए सेलुलर एंटिटीज का भी. ठीक है, ए सेलुलर एंटिटीज क्या होगा? वायरस, वायरॉइड, ये सब. तो स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है? टोटल फ्री, मतलब एकदम फ्रीडम है टोटल. तो बिल्कुल स्टेरिलाइजेशन में क्या है? माइक्रो फ्री, मतलब एक भी नहीं है. ठीक है, चाहे वो वाइबल हो, वाइबल मतलब जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या उसका स्पोर हो, या कोई भी इंफेक्शन है, वो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं रहेगा. ठीक, अब इसकी डेफिनेशन पढ़े. द कंप्लीट रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक, यूज्ड ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. इसमें क्या क्या है? लिविंग सेल्स, स्पोर्स, ए सेलुलर एंटिटीज, वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स आर ईदर डिस्ट्रॉयड और रिमूव फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और हैबिटेट. या तो उनके रहने की जगह से
या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका माइक्रोब प्रेजेंट है तो वहां से उसको हटा देना, ठीक है? ठीक, क्लियर? एंटीसेप्सिस मतलब, नेक्स्ट टर्म है एंटीसेप्सिस। एंटी मतलब अगेंस्ट, ठीक। सेप्सिस मतलब, पहले लेक्चर में बताया था, सेप्सिस मतलब कोई घाव या जख्म, ठीक है? वैसे सेप्सिस का जो असली मीनिंग होता है वो है प्यूट्रिफैक्शन। प्यूट्रिफैक्शन मतलब आपका जो जख्म है वो सड़ने की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है? तो एंटीसेप्सिस मतलब कि आपके जख्म को सड़ने से रोकना। तो इसमें क्या करेंगे, केमिकल अप्लाइज टू द बॉडी सरफेस टू डिस्ट्रॉय और इनहिबिट वेजिटेटिव पैथोजन। जब कोई भी जख्म हुआ है, ये कोई भी आपको चोट लगी है मान लो, अब उस पे तो आपका माइक्रोब आया, ये आ गया आपका माइक्रोब, ठीक। अब वो आएगा तो वो मल्टीप्लाई करेगा तो और जख्म को खाएगा, खाके ही तो बड़ा होगा, तो आपका जख्म क्या होता जाएगा, गहरा होता जाएगा और वो सड़ता जाएगा, ठीक है? तो इस चीज को रोकने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, एंड इस चीज को हम, इस प्रोसेस को कहते हैं एंटीसेप्सिस, और जो ऑब्जेक्ट, जो केमिकल यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एंटीसेप्टिक। चोट लगती होगी तो आप लोग भी एंटीसेप्टिक सेप्टिक लगाते हो, वही है एंटीसेप्टिक। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी में क्या होता है, केमिकल्स को यूज करते हैं, कैसे, टू किल और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब एक चीज याद रखने की, इसमें विद इन द होस्ट सेल, ठीक है? विद इन, विद इन मतलब ये आपकी बॉडी है, इसके अंदर ये माइक्रोब है। अब बॉडी के अंदर आपने क्या डाला, केमिकल, उस केमिकल को आपकी बॉडी के अंदर, अंदर विद इन मीन्स अंदर, उस टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देगा, वो हो जाएगा आपका कीमोथेरेपी में। सैनिटाइजेशन आजकल तो बहुत कर रहे हो तो उसका मतलब भी समझो। द माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज रिड्यूस टू अ लेवल दैट आर कंसिडर्ड सेफ बाय पब्लिक स्टैंडर्ड। देखो स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, पूरे माइक्रोब्स खत्म नहीं होते हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है, इनका पॉपुलेशन इतना कम कर देते हैं कि वो किसी काम के नहीं रहते हैं, ठीक है? किसी काम के नहीं, वो यूजलेस होते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर, याद कर लेने, हमेशा काम आएंगे। पहला डिसइंफेक्शन, दूसरा स्टरलाइजेशन, तीसरा एंटीसेप्सिस, कीमोथेरेपी एंड सैनिटाइजेशन, क्लियर? अब आते हैं द पैटर्न ऑफ माइक्रोबियल डेथ, क्या तरीका है, कैसे मरता है। उसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका कैसे मर रहा है। इसमें समझो, कोई भी आपने एंटी माइक्रोबियल एजेंट लिया तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही आपने, यहाँ पर समझ लो ये माइक्रोब्स हैं, अब आपने अपना एंटी माइक्रोबियल इसके अंदर डाला, ठीक है? तो ये आपका एंटी माइक्रोबियल हो गया। तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही आप अपना एंटी माइक्रोबियल इसके अंदर डालोगे, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने हैं ये सारे के सारे, दे विल नॉट डाई, मतलब एकदम से मरेंगे नहीं, ठीक है? ऐसा थोड़ी ना कि हाँ डालते ही मर गए, खत्म, नो, दिस नेवर हैपन्स। तो ये मरते कैसे हैं ये समझो, जैसे आप ग्रोथ होती है माइक्रोब की, पहले गया लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी, देन फाइनल ये होता है, उसी तरह जब डेथ होती है, तो ये जब आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट गया तो सबसे पहले थोड़ी देर को ठहरेगा, फिर उसके बाद जैसे ही लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई थी वैसे ही एक्सपोनेंशियल डेथ भी होती है। फिर थोड़ी देर को रुकेगी, हाँ, फिर थोड़ी देर, फिर धीरे 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 करके कम होती जाती, पहले थोड़ा सा ठहरेगी, फिर एकदम से बढ़ेगी, फिर स्टेशनरी होगी, फिर और खत्म हो जाएगी। ये नहीं कि जैसे ही आपने माइक्रोब को एंटी माइक्रोबियल डाला सारे माइक्रोब मर गए, नो, दिस नेवर हैपेंस, ठीक है? भाई यहीं पे लिखा है, माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज नॉट किल्ड इंस्टेंटली व्हेन एक्सपोज टू अ लीथल एजेंट, पॉपुलेशन डेथ इज जनरली एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, पॉपुलेशन इज रिड्यूस बाय द फ्रैक्शन एट कॉन्स्टेंट इंटरवल। अभी इतने मर रहे हैं, फिर उसके बाद इतने मरेंगे, फिर उसके बाद इतने मरेंगे, ये नहीं कि सारे के सारे एक साथ मर गए, समझ गए, क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डेसिमल रिडक्शन टाइम और डी वैल्यू।
एग्जाम के लिए जरूरी है, याद कर लेना, एमसीक्यू में आएगा, आता है हमेशा अक्सर। ठीक, द डेसिमल रिडक्शन टाइम, इसमें देखो डेसिमल रिडक्शन मतलब 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके मर गए, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और स्पोर्स, ठीक है, दे आर डिस्ट्रॉयड और किल्ड। ठीक, ये हो गया आपका डेसिमल रिडक्शन टाइम। द डेसिमल रिडक्शन टाइम इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू किल 90% ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितने 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मरने में जितना टाइम लगेगा, या किसी भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट को 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में जितना टाइम लगेगा, उसको हम कहते हैं डेसिमल रिडक्शन टाइम और डी वैल्यू। क्लियर? क्लियर? एनी डाउट होगी तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मैकेनिकल रिमूवल मेथड पे। मैकेनिकल रिमूवल मेथड में आप इसको क्या कहोगे? फिल्ट्रेशन। ठीक है, मैकेनिकल रिमूवल मेथड कैसे होता है? फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेशन का मतलब हिंदी में सम बताओ। फिल्ट्रेशन मतलब किसी चीज को छानना, ठीक, फिल्टर करना, छान लेना। अब ये क्या करता है? हाउ डज फिल्ट्रेशन वर्क्स? फिल्ट्रेशन रिड्यूस माइक्रोबियल पॉपुलेशन, किसमें? सल्यूशन ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल। ठीक है, दूसरा, इट इज यूज टू स्टेरलाइज वेरियस लिक्विड्स एंड गैसेस इवन द एयर। क्लियर? छान लिया। अब देखो फिल्ट्रेशन, हम लोग जैसे कोई कल्चर मीडिया आपको स्टेरलाइज करना है, या कोई सल्यूशन आपको स्टेरलाइज करना है जो कि हीट सेंसिटिव है, तो कैसे करोगे? फिल्ट्रेशन से करोगे। ठीक है, तो उसमें आपने जो भी हीट सेंसिटिव मटेरियल को आपने किसमें डाल, सोल्यूशन के फॉर्म में होगा तभी छान पाओगे। ठीक है, लिक्विड होगा तो वो छनेगा नहीं, या समथिंग दैट इज नॉट सॉलिड दैट कैन बी फिल्टर्ड। अब फिल्ट्रेशन में क्या होता है? इसमें सिंपली आप छान रहे हो, ये कोई फिल्टर लगा है, छानोगे तो क्या होगा? रिमूव ही तो होगा ना, किल तो नहीं होगा कोई चीज ना, तो इसमें क्या होता है? इट इज रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लियर? डेथ नहीं हो रही है उसमें, पॉपुलेशन कम हो रही है, और सिर्फ रिमूवल हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक, अब फिल्टर हमारे कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो डेप्थ फिल्टर, दूसरा मेम्ब्रेन फिल्टर। ठीक, नंबर टू इज मेम्ब्रेन फिल्टर। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं डेप्थ फिल्टर्स को। ठीक, पढ़ते हैं, चलो। कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस और ग्रैन्युलर मटेरियल। अब कैसे बॉन्डेड है? बॉन्डेड इनटू थिक लेयर फिल्ड विद ट्विस्टिंग चैनल्स ऑफ स्मॉल डायमीटर। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारा फाइब्रस होगा या ग्रैन्युलर होगा। ठीक, जैसे देख रहे हो फाइब्रस है, फाइबर से बने हुए हैं। ठीक है, और ट्विस्टिंग चैनल होगा, ऐसे ऐसे ट्विस्टिंग चैनल होगा। ठीक है, ये तुम्हारा फिल्टर है, इसमें ट्विस्टिंग चैनल्स हैं। ठीक, और इसका जो डायमीटर है वो बहुत छोटा है। अब ये कैसे बना हुआ है? पोरस है, पोरस है, मतलब ऐसे ऐसे खूब सारे पोर्स बने हुए हैं। ठीक है, पोरस है या ग्रैन्युलर है। ठीक, तभी तो छनेगा, जब तक पोरस नहीं होगा ग्रैन्युलर नहीं होगा। फिर समझ गए। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? द सल्यूशन कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज सक थ्रू दिस लेयर अंडर वैक्यूम। अब यहाँ से आपने अपना सल्यूशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डाला, और एंड दैट इज सक थ्रू वैक्यूम अंडर वैक्यूम। माइक्रोबियल सेल्स आर रिमूव्ड बाय फिजिकल स्क्रीनिंग और इंट्रैपमेंट। इंट्रैपमेंट मतलब पकड़ लिया, एंड बाय एड्सॉर्प्शन ऑन टू द सर्फेस ऑफ द फिल्टर। इंट्रैपमेंट एंड एड्सॉर्प्शन दो शब्द है, इंट्रैपमेंट एंड एड्सॉर्प्शन। ठीक, इंट्रैपमेंट मतलब पकड़ लेना, और एड्सॉर्प्शन मतलब सरफेस पे ही चिपक जाना।
सरफेस के अंदर नहीं जाना, ठीक है, दिस इज नॉट डन. सरफेस पे चिपक जाना इज एडसॉर्प्शन, ठीक. एंट्रैपमेंट मीन्स पकड़ लेना, ठीक. कैसे हो रहा है इसमें, बाय एंट्रैपमेंट एंड एडसॉर्प्शन. नाउ व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ डायटमस अर्थ, अनग्लेज पोर्टलैंड एंड एस्बेस्टस, ठीक है. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं. अब आते हैं, यार आपका मेम्ब्रेन डेप्थ फिल्टर को देख लो, जैसे पोरस है, डायटमस है, मॉलिक्यूल्स गए, माइक्रोबियल सॉल्यूशन गया, ट्रैप हो गया, ठीक है. कैसे ट्रैप, इंट्रैपमेंट हुआ और एड्सॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, एड्सॉर्ब हुआ, ठीक है. चलो अब आते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स पे. मेम्ब्रेन फिल्टर्स भी कैसे हैं, पोरस मेम्ब्रेन है, पोरस तो होंगे तभी तो पास होगा, और 0.1 mm थिक भी होते हैं, ठीक. ये किसको, 0.1 mm इज जस्ट मेड अप ऑफ सेलुलोज एसिटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीविनाइलिन एंड अदर सिंथेटिक मटेरियल्स. कितना, 0.2 डायमीटर, यूज टू रिमूव वेजिटेटिव सेल्स. देखो अब यहाँ पे याद रखना, 0.2 है तो, 0.2 माइक्रोमीटर है तो रिमूव वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है, और जीरो वायरस नहीं हट रहा है, याद रखना वायरस नहीं हट रहा है. मेम्ब्रेन फिल्टर्स रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय स्क्रीनिंग देम आउट मच एज सीव सेपरेट्स लार्ज सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम द वर्म्स. कभी चाय छानी है तो चाय छानते हो तो क्या होगा, चाय की पत्ती छन्नी में ऊपर आ जाती, चाय नीचे आ जाती है. तो उसी तरह इसमें भी हम लोग यही करते हैं, जो भी अपना मटेरियल है, ये रहा तुम्हारा मेम्ब्रेन फिल्टर, इसको ऐसे छन्नी की तरह बना लेते हैं, और फिर जिस भी कंटेनर में रखते हैं अपने सॉल्यूशन को हम इसमें पोर करते हैं, और फिर ये फिल्टर होके नीचे आ जाता है. तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये देखो इसमें, ये यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, ठीक. अब इसी फिल्टर ने, डेप्थ फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया था किसको, डेप्थ फिल्टर्स को. ये याद रखना, वायरस को फिल्टर नहीं करता है. अब किन किन चीजों में यूज होता है, स्टरलाइज फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन मतलब आंखों के जो सॉल्यूशन होते हैं, कल्चर मीडिया, ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स एंड अदर हीट सेंसिटिव सॉल्यूशन. ठीक है, पहले ही बता देते कि जितने भी हीट सेंसिटिव मटेरियल्स हैं, कल्चर मीडिया है, उन सबको हम किससे करेंगे, फिल्ट्रेशन से करेंगे, ठीक है. ये तो हो गया था आपका मेम्ब्रेन और डेप्थ फिल्टर. अब ये आपका लिक्विड का फिल्ट्रेशन था, अब एयर का भी फिल्ट्रेशन करते हैं. अब एयर फिल्ट्रेशन में आजकल आप लोग देख रहे हो कि आप लोग N95 मास्क लगा रहे हो, ठीक है, या कोई भी सर्जिकल मास्क लगा रहे हो, ठीक. तो क्यों लगाते हो, अब ये N95 में 95 का मतलब क्या होता है, 95 का मतलब होता है 95% ऑफ पार्टिकल्स, जो भी माइक्रोबियल पार्टिकल्स है उसको ये रोक रहा है, ठीक है. इट इज इनहिबिटिंग 95% पार्टिकल्स लार्जर देन, साइज कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर. तो 0.3 माइक्रोमीटर से जितने भी पार्टिकल्स ज्यादा है, 95% पार्टिकल्स को ये प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है, तभी तो आप मास्क लगाते होगे ताकि हाँ भाई अंदर ना आ पाए. माइक्रोब ज्यादातर ये एयर पोल्यूशन के लिए, ताकि डस्ट पार्टिकल्स हैं जो भी हैं वो ना आ पाए, मतलब आपकी नोज के थ्रू आपके नेजल पैसेज में ना जा पाए, ठीक है. नेक्स्ट होता है हेपा फिल्टर्स, हेपा का मतलब हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, ठीक है. ये देखो, ये रहा तुम्हारा हेपा फिल्टर्स. अब ये क्या करता है, ये 99.97 पार्टिकल्स ऑफ 0.3 माइक्रोमीटर और लार्जर बाय बोथ इसको रिमूव करता है. कैसे रिमूव करता है, बाय फिजिकल रिटेंशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन. फिजिकल रिटेंशन मतलब ठीक है, यहां से पास हुआ, इधर पे रुक गया. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन में क्या होता है कि अब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो एक तरफ एनोड होती है, एक तरफ कैथोड, प्लस माइनस, ठीक है. तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं
जो पॉजिटिव जो प्लस होगा वो माइनस को अट्रैक्ट कर, जो नेगेटिव चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसी हिसाब से वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट कर लेते हैं, या जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसको सेपरेट करते हैं। अब ये जो हेपा फिल्टर्स होते हैं, इट इज कैन ऑल्सो बी मेड टू एड्सॉर्ब वायरसेस, ठीक है। N95 इतना कारगर नहीं होता है, नहीं, ठीक है। और ये हेपा फिल्टर्स आपके वायरसेस को भी एड्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। देखो ये है लेमाइनर एयर फ्लोर, ये हम लोग लैब में हम लोगों ने देखा होगा, हमेशा जितना भी हम लोग काम करते हैं लेमाइनर एयर फ्लो के अंदर ही करते हैं, ताकि कंटेमिनेशन ना हो, क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो हेपा फिल्टर्स लगे होते हैं, ठीक। हेपा फिल्टर्स आर अवेलेबल दैट रिमूव वायरसेस दैट आर 0.1 माइक्रोमीटर एंड स्मॉलर, दे आर यूज टू स्टेरलाइज एयर। तो आपके जो ये वाला था ये सिर्फ 0.3 mm तक का कर ले, ये 0.1 माइक्रोमीटर तक का भी वायरस पार्टिकल को रिमूव कर ले रहा है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं फिजिकल कंट्रोल मेथड। फिजिकल कंट्रोल मेथड देखो दो तरीके से होता है, पहला हीट, दूसरा रेडिएशन। अब हीट में भी चलो आगे बढ़ते हैं, फिजिकल मतलब हीट और रेडिएशन। अब हीट हो गई हमारी दो तरीके की, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, ठीक है। ड्राई हीट में हम लोग जो एक्शन मैकेनिज्म क्या होता है ड्राई हीट का, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल एंड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब सब नॉर्मल भाषा में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो क्या हो जाता है, आपका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है माइक्रोब का, सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोब क्या हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब मतलब गड़बड़ा जाता है, ठीक है। ये शेप था और जैसे वो ऐसे ऐसे हो गया, ठीक, सेलुलर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब्स। तो कैसे, ड्राई हीट का मैकेनिज्म क्या है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेल एंड सेकेंड डिग्नेचरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को क्या करते हैं, बेकार कर देते हैं, किसी काम करने, मतलब खराब कर देना, ठीक, क्लियर। अब ड्राई हीट हम लोग तीन तरीके से करते हैं, सबसे पहला फ्लेमिंग, दूसरा इंसेरिनेशन, तीसरा हॉट एयरिंग। फ्लेमिंग में जब भी आपने कभी स्टेनिंग की हो या कुछ भी किया हो तो आप देखते होंगे ये जो भी हमारा फ्लेम है उसके ऊपर हम अपने वायर लूप को रेड हॉट करते हैं, ठीक है, एकदम गरम करके लाल हो जाता है ये, ठीक है, इसको कहते हैं रेड हॉट होना। तो किसको किसको स्टरलाइज कर सकते हैं, इनोकुलेटिंग लूप को, फोर्सेप को, नीडल्स को और स्पैचुला को, फ्लेमिंग इट रेड हॉट, ठीक, ये तो सबने किया ही। इनसेरिनेशन मतलब जलाना, मीन्स टू बर्न, इसके इट इज द टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन, इसको हम लोग जला देते हैं ज्यादातर बायोमेडिकल वेस्ट को। नेक्स्ट है हमारा हॉट एयर ओवन, ठीक है। अब हॉट एयर ओवन में एक चीज याद रखने वाली चीज है कि इसमें स्टेरिलाइजेशन कैसे होता है, बाय कंडक्शन। नेक्स्ट टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। इसको किसको स्टेरिलाइज करते हैं, ग्लासवेयर को, सिरिंज को, लिक्विड पैराफिन को, डस्टिंग पाउडर को, फैट्स एंड ग्रीस को। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना। अब मान लो क्वेश्चन आ गया, हाउ इज लिक्विड पैराफिन स्टेरिलाइज्ड, और द मेथड यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग लिक्विड पैराफिन, तो क्या होगा, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, फ्लेमिंग और फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट हो जाएगा ऑटोक्लेविंग और लास्ट होगा हॉट एयर। तो क्या लिखोगे, हॉट एयर ओवन, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट है मॉइस्ट हीट। अब देखो मॉइस्ट हीट में तीन तरीके से ज्यादातर
होती है। ठीक, एक तो टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री, दूसरा 100 डिग्री, तीसरा अबव 100 डिग्री। ठीक है, अबव 100 डिग्री में क्या हो जाएगा, स्टीम हो जाएगा। क्लियर? बिलो 100 डिग्री, 100 डिग्री और अबव 100 डिग्री। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये क्या करता है, डिग्रेड कर देता है आपके न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड ही खराब, न्यूक्लिक एसिड खराब तो कोई कोडिंग नहीं होगी, कोई रेप्लिकेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डीनेचरिंग एंजाइम, एंजाइम को भी खराब कर दिया और एसेंशियल प्रोटीन्स को भी खराब कर दिया। डिस्ट्रप्ट सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ दिया। ठीक है, ये आपका सेल था, ये मॉइस्ट हीट लगी तो सेल मेम्ब्रेन टूट गई। ठीक, या कई जगह से भी टूट सकती है, एक जगह से भी टूट सकती है, तो डिस्ट्रप्शन हो गया। क्लियर मैकेनिज्म? क्लियर, डिग्रेड न्यूक्लिक एसिड, डीनेचरिंग ऑफ एंजाइम एंड एसेंशियल प्रोटीन्स, एंड थर्ड इज डिस्ट्रप्टिंग सेल मेम्ब्रेन्स। अब ये भी तीन तरीके से होता है। सबसे पहले ऑटोक्लेविंग, ये क्या है, टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम अंडर प्रेशर। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स भी जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर किसमें कैरी, स्टीम स्टरलाइजेशन कैरी किसमें होता है, ऑटोक्लेविंग है तो ऑटोक्लेव में। ठीक है, टेम्परेचर 121 डिग्री और 15 पाउंड्स का प्रेशर होता है। अब इसमें क्या होता है, जो भी आपकी सैचुरेटेड स्टीम होती है, जो भी आपकी स्टीम बनी, ठीक है, जैसे प्रेशर कुकर तो देखा ही है ना सबने, तो ऑटोक्लेविंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर कुकर। ठीक है, ये आपका प्रेशर कुकर हो गया, पानी आपने भरा, स्टीम बनी, अब प्रेशर इसमें बना, स्टीम बनेगी तो पूरे स्टीम जो है वो पूरे आपके कंटेनर में सर्कुलेट करेगी। ठीक है, जितनी जगह पे है सब जगह सर्कुलेट की। उसके बाद क्या हुआ, जितने भी आपके वेजिटेटिव सेल्स हैं या स्पोर्स हैं, जो भी है, चाहे वेजिटेटिव सेल्स हैं चाहे आपके एंडोस्पोर्स हैं, वो सब के सब क्या हो जाते हैं, उनका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता जाता है धीरे 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 धीरे। मैंने बताया कि एकदम से नहीं कम होगा, ठीक है, धीरे 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 करके उनका नंबर डिक्रीज हो जाए। उसको टोटल टाइम कितना लगता है, 10 से 12 मिनट। ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं पैस्चराइजेशन पे। इसमें टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। पैस्चराइजेशन किसके लिए, हीट सेंसिटिव जो भी लिक्विड्स होते हैं उसके लिए, मिल्क हो गया, या अच्छा या वाइन हो गई, ठीक है, इन सब के लिए हम लोग पैस्चराइजेशन का यूज करते हैं। अब पैस्चराइजेशन जो होता है वो आपके बेवरेज को पूरी तरह स्टेरिलाइज नहीं करता है। ठीक है, वो करता क्या है, जो भी आपके पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस का मतलब क्या होता है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको क्या करता है, उनको खत्म कर देता है। ठीक है, पैथोजेंस नहीं है तो आपके अंदर डिजीज नहीं होगी, सिंपल। और बाकी जो नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके नंबर को भी कम कर देता है। क्लियर, ये हो गया आपका पैस्चराइजेशन। अब आते हैं टिंडलाइजेशन पे। टिंडलाइजेशन, सम मटेरियल्स दैट कैनॉट विदस्टैंड हाई टेम्परेचर ऑफ ऑटोक्लेव एंड स्पोर कंटेमिनेशन प्रिक्लूड्स। तो जिसमें जो हाई टेम्परेचर ऑटोक्लेव का नहीं झेल सकते हैं, लगातार 12-13 मिनट के लिए आप ऑटोक्लेव गर्म स्टीम नहीं झेल पा रहे हैं, उनके लिए जो भी सब्सटेंस है, और पर वो झेल भी नहीं सकते पर उनके अंदर स्पोर्स भी हैं, स्पोर का कंटेमिनेशन भी है, तो उसको हम स्टेरिलाइज कैसे करते हैं, कौन से प्रोसेस से, टिंडलाइजेशन से। टिंडलाइजेशन में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिटेंट स्टेरिलाइजेशन। इंटरमिटेंट का मतलब होता है मतलब रुक रुक के, नॉट रेगुलर, इरेगुलर, मतलब अभी 5 मिनट को दिया उसने स्टीम दी, फिर 2-3 मिनट के लिए रोक दिया, फिर दिया, फिर रोका, स्टीम आई रुकी, स्टीम आई रुकी, ये हो गया आपका इंटरमिटेंट। अब दिस प्रोसेस यूजेस स्टीम 30 से 60 मिनट तक के लिए टोटल टू डिस्ट्रॉय वेजिटेटिव स्पोर्स। द इंक्यूबेशन परमिट्स
अब फिर जब रुकता है उस टाइम में क्या होता है, जितने रिमेनिंग स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं, ये जर्मिनेट हो गए, फिर मरे, फिर वो जितने होते धीरे 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 करके सारे मर जाते हैं। और ये नहीं कि लगातार 60 मिनट के लिए चला दिए तो सब खराब हो जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट, ठीक, ऐसे करके, दैट इज कॉल्ड इंटरमिटेंट, क्लियर, दैट इज कॉल्ड टिंडलाइजेशन, समझ गए। चलो अब आते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है। दो मेथड थे, फिजिकल उसके हीट और दूसरा था रेडिएशन। अब आते हैं रेडिएशन पे। अब यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन हम लोग कैसे, यूवी रेज को कैसे यूज करेंगे, यूवी रेज करती क्या है, तो पहले ये बताओ यूवी रेज करेगी क्या, थाइमिन डाइमर फॉर्म करेगी, ठीक है, थाइमिन डाइमर फॉर्म हो जाएगा। थाइमिन डाइमर मतलब डाई मतलब दो, मतलब थाइमिन और थाइमिन की पेयरिंग हो जाएगी। वैसे थाइमिन किसके साथ पेयर करता है, एडमिन के साथ, तभी आपका रेप्लिकेशन हो जाता है। जब थाइमिन और थाइमिन पेयर करेगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप, ट्रांसक्रिप्शन रुक गए। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, खत्म, ठीक। यहाँ का यहाँ थाइमिन ने क्या किया, डाइमर बनाया, थाइमर यूवी रे से क्या बन गया, थाइमिन का डाइमर। कितने वेवलेंथ कितनी ऊंची, 260 नैनोमीटर, ठीक। अब नेक्स्ट आओ, अब इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये किसी भी सरफेस को पेनिट्रेट नहीं करता, चाहे वो ग्लास हो, डर्ट फिल्म हो, वाटर हो या कोई अदर सब्सटेंस हो, उसको पेनिट्रेट नहीं करेगा। अगर एक बीकर में अंदर आपने पानी रखा है तो ये बीकर को पेनिट्रेट करके पानी को स्टरलाइज नहीं कर पाए, ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। इसीलिए इसको बहुत ही कम ही जगहों पर यूज़ करते हैं और हार्मफुल भी होता है, क्योंकि थाइमिन अगर आप यूवी रेस से एक्सपोज करेंगे तो क्या पता आपकी बॉडी में भी थाइमिन डाइमराइजेशन हो जाए, ठीक है, डीएनए का, इसलिए हम लोग इसको, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। अब नेक्स्ट है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है, इट इज एन एक्सेलेंट स्टेरलाइजिंग एजेंट एंड पेनिट्रेट्स डीप इनटू ऑब्जेक्ट, ठीक है, यूवी रे पेनिट्रेट नहीं करा था, आयोनाइजिंग रेडिएशन पेनिट्रेट कर रही है। अब इस रेडिएशन में क्या होता है, वेव्स एंड पार्टिकल्स दैट आर सफिशियंट एनर्जी टू डिसलॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूसिंग रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स, ठीक। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि आपके रेडिएशन जो भी आ रही हैं उसके अंदर क्या है, वेव्स हैं, ठीक, और पार्टिकल्स हैं, तो इस वेव्स और पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी है कि ये जो आपका माइक्रो एक किसी भी सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब सेल्स के अंदर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक ऑर्बिट में वो घूमते हैं, ये सब अपने ऑर्बिट में, तो ये एनर्जी, इस एनर्जी से क्या होता है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डिसलॉज हो जाते हैं, मतलब अपनी जगह से हट जाते हैं, तो इधर उधर इधर उधर घूमने लगते हैं, तो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल्स हैं, अब इनको अब अपना पेयरिंग करना है, तो फिर वो क्या करते हैं, रिएक्ट विद नियर बाय मैटर, तो जो आसपास जो भी मिलता है उससे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, उनको बर्बाद किया तो वो क्या करेंगे, दूसरे को बर्बाद करते हैं, यही थी कहानी। अब ये किसको डिस्ट्रॉय करेंगे, बैक्टीरियल स्पोर्स को डिस्ट्रॉय करेंगे और जितने भी माइक्रोबियल सेल्स हैं उसको, ठीक। ज़्यादातर ये वायरसेस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, हमेशा नहीं होता, कभी कभार हो जाता है, कभी कभार नहीं होता है, ठीक, क्लियर। यूवी रेज पेनिट्रेट करें नहीं करेंगे, आयोनाइजिंग रेडिएशन पेनिट्रेट करेंगे, यूवी रेज और आयोनाइजिंग रेडिएशन फ्री रेडिकल्स बनाएंगे, फ्री रेडिकल्स की वजह से ही आपका दूसरा जो मैटर है वो स्टरलाइज होगा, ठीक है, किल होगा। नेक्स्ट गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन क्या है, क्यों यूज करते हैं, यूज इन कोल्ड स्टरलाइजेशन ऑफ किसके लिए, एंटीबायोटिक्स, हॉर्मोन्स,
सच एज प्लास्टिक डिस्पोजेबल सप्लाई सच एज सिलेंट, इन सब के लिए यूज करते हैं। इसमें भी क्या होता है, हाई एनर्जी आया उसने कोई कोल्ड स्टरलाइजेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई हीट नहीं लग रही है, ठीक। एनर्जी आई उसने सब फ्री रेडिकल बनाया, फटाफट फटाफट पैस्चराइज कर दिया, ठीक है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टेरलाइज एंड पैस्चराइज फूड आइटम्स और मीट, तो उसमें क्या होगा, गामा रेडिएशन। अब ऑप्शन दिया है यूवी, आयोनाइजिंग, गामा या फिल्ट्रेशन, तो क्या लगाना, गामा रेडिएशन, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक सब कुछ क्लियर, चलो आज के लिए इतना बहुत है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, केमिकल मेथड्स और बायोलॉजिकल मेथड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।